ढोकले बनाने के लिए चने की दाल और चावल को हमने 6 घंटे पानी में भिगा कर रखा है। अब हम दही के साथ मिलाकर दोनों को अलग अलग ग्राइंड करते जाएंगे। दोनों को अलग अलग ग्राइंड करने के बाद में हम एक दूसरे के साथ में इसको मिक्स कर देंगे और फिर 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। देखिए अब इसमें खमीर अच्छी तरह आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा सोडा। ये ढोकले बनाने का हमारा पॉट जो है गर्म हो चुका है। इस पर हरी मिर्ची को हम बॉईल कर लेंगे और हमारा बैटर जो है उसको हम इसमें डालते जाएंगे। नीचे हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं। 10 से 15 मिनट में ये हमारे ढोकले जो है इस तरह से तैयार हो चुके हैं। चाकू की सहायता से हम सबको कट कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए देखिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे राई, जीरा, हरी मिर्ची जो हमने बॉईल करके रखी है और साथ में हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता जो हमने कट करके रखे हैं उसको इसमें मिला देंगे और ऊपर से हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती। देखिए हमारे ढोकले जो है तैयार है। आपको यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।